ग्रामर में इसके पहले के वीडियो में मैंने आर्टिकल्स बताए थे, डिटरमाइनर, और उसमें आर्टिकल्स पढ़ाया था, और जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। अभी जो वर्ब है, द वर्ब, क्रिया, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो अगला है क्या है, वो द वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए कुछ करने या होने का भाव प्रकट करता है। मतलब एक वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट सम एक्शन, जो भी कार्य हो रहा है वो वर्ब होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस आर थिंग। जैसे आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे किताब दिया, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगा, गेव, दिया। ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, उगना, यहाँ पर घास हर जगह उगती है, तो उगना क्या है, क्रिया है। द स्टार शाइन्स इन द नाइट, चमकना क्या है, क्रिया है। तो प्रथम वाक्य में किताब देने का, दूसरे वाक्य में घास के उगने का, और तीसरे वाक्य में तारों के चमकने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब हो गई, गेव, ग्रोज और साइन, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। मतलब किसी भी कार्य से, जो भी कार्य हम करते हैं, विच डिनोट सम एक्शन, जो भी क्रिया हम करते हैं, हम या कोई और, कोई पर्सन, प्लेस आर थिंग, तो वो क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, अब क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या अर्थ होता है, पासिंग ओवर, मतलब जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो जो लड़के ने फुटबॉल पर क्या किया, किक किया, तो उस पर जो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है, यानी कि जो उसने किक करने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर पड़ रहा है। अब और इसके विपरीत, जब कर्ता के कार्य का फल ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म पर नहीं पड़ता है तो क्या होती है, इनट्रांजिटिव क्रिया होती है। द बॉय लाफ लाउडली, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाफ क्रिया है, लाफ क्रिया का अर्थ स्वयं में पूर्ण है, यहाँ पर इंटरनेटिव वर्ब है। ठीक है, और इसके बारे में भी हम बताते हैं। पहले आपको जो एक्सरसाइज आगे दी हुई है, फाइंड आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें आपको केवल वर्ब को फाइंड आउट करना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। जैसे टेल मी द ट्रूथ, तो यहाँ पर टेल क्या है, वर्ब है। द डॉग रन आफ्टर मी, तो रन क्या है, वर्ब है। तो जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें से वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है, बाकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के जो प्रकार हैं, मतलब वर्ब के जो प्रकार हैं, वह मैं मुझे अभी बता रही हूँ। ठीक है, टेल मी द ट्रूथ है, तो इसमें जो टेल है वो वर्ब है। ठीक है, टाइम चेंज एवरीवेयर, तो यहाँ पर चेंजेस जो है बदलता है, ये क्रिया है। ठीक है, योर बुक लाइज ऑन द टेबल, पड़ी है, तो जो लाइज है वो क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको अगले पेज में जो है समझाती हूँ कि वर्ब के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ भेद। अभी हम मैंने बताया ना, क्रिया दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो बताते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्रिया कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट के आधार पर, कर्म के आधार पर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म होता है, कर्ता जो कर्म करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके दो भेद होते हैं क्रिया के, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ठीक है, सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। तो इसमें रीड्स और कुक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, बुक पढ़ते पढ़ रहा है और पढ़ता है, और कुक का ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक, इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ना समाप्त होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। ठीक है, इस क्या, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डोर आर फ्रॉम द डोर आर सब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका प्रभाव डोर पर पड़ता है, जो काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, पहचान क्या है इसकी, वर्ब से, वर्ब में अगर हम क्या, किसे और किसको का प्रश्न मतलब पूछते हैं, तो उत्तर में हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है।
ठीक है, जैसे राम रीड्स ए बुक, राम क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है, ठीक है। सीता कुक फूड, सीता क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो जब हमें ये लगाने पर ऑब्जेक्ट, मतलब उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त हो, तो हम पहचानेंगे, जान जाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है जो है, इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, इस क्रिया का कर्म नहीं होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज स्लीपिंग हियर देयर, द बॉय रन्स, सी लाफ, इसमें क्या है, इसका कोई कर्म नहीं है, ठीक है। तो स्लीपिंग, रन्स और लाफ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसमें इसमें हमें मतलब क्या लगाने से कुछ उत्तर नहीं प्राप्त होगा ना, क्या किसे कैसे लगाने से कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा, तो ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। इसमें इसका वर्ब नहीं है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे राम गेव मोहन ए बुक, राम ने मोहन को एक पुस्तक दी, ठीक। अभी मैंने बताया था ना, क्या लगाने से, किसको लगाने से उत्तर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या भी लगाना है तो, और क्या दिया, पुस्तक दिया, किसको दिया, मोहन को, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या प्रश्न के उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और किसको प्रश्न के उत्तर में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो जब हम क्या लगा के जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसको दिया तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो, तो व्यक्ति प्रकट करने वाले को, मतलब जिसमें व्यक्ति हो, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो वस्तु होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि ऊपर सेंटेंस क्या था, ए बुक, ए बुक में ये क्या है, वस्तु है, तो वस्तु क्या होगा, अभी मैंने नीचे क्या बताया, जो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति प्रकट करने वाला, यानी कि मोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वस्तु कौन सी है, बुक, वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे पहचान, मतलब पहचानेंगे क्या किसको लगाने से भी उत्तर प्राप्त होता है, और हम व्यक्ति जो है वो इनडायरेक्ट है, और वस्तु जो है डायरेक्ट है, मतलब दो तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों में होती हैं, अधिकांश क्रियाएं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में होती हैं। जैसे कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे पैक्ड वर्ब है, इसको आई पैक्ड माई लगेज, पीपल पैक्ड इन द हॉल, एक ही वर्ब है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव में भी यूज हो रहा है और इंट्रांजिटिव में भी यूज हो रहा है। ही लाइटेड द कैंडल, द फायर लाइटेड, द कैट कॉट ए रैट, हिज फाइट कॉट हिज काइट कॉट इन द ट्री, डिजॉल्व सुगर इन वाटर, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, वर्ब एक ही है लेकिन जो है ये दोनों में यूज हो रहा है। द सन मेल्टेड द स्नो, द आइस मेल्टेड, मेल्टेड द स्नो, द आइस मेल्टेड, एक ही वर्ब है। तो मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में होती हैं। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके भाव को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। इन वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, संक्षेप में हम इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सब वाक्यों को जोड़ने के लिए जो यूज होता है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, यू आर ए डॉक्टर, तो यहाँ पर इज आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये द बॉय बिकेम हैप्पी, सी सीम्स टू बी रेड, तो इज आर बिकेम और सीम्स क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको, तो आई गेव हिम ए पेन, तो यहाँ पर हिम क्या होगा, व्यक्ति को प्रकट कर रहा है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और पेन क्या होगा, वस्तु को प्रकट कर रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही सारे सेंटेंस में, सी टोल्ड अस ए स्टोरी, एक व्यक्ति है एक वस्तु है, मिस्टर शर्मा टॉट अस हिंदी, इसमें भी पहचानेंगे कि जो है व्यक्ति और वस्तु है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। यू डिड मी ए ग्रेट सर्विस, आई आस्क हर ए क्वेश्चन, डिड यू सेल हिम ए पेन, हैन, यहाँ पर, तो यहाँ पर हिम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और वस्तु क्या होती है, हैन, हैन यहाँ पर वस्तु में आएगी, ठीक है। सीता ब्रॉट हर सिस्टर ए पेन, तो यहाँ पर हर क्या है, हर सिस्टर क्या है, हर सिस्टर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये व्यक्ति है, और पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीता ब्रॉट ए पेन फॉर हर सिस्टर, अब यहाँ पर ए पेन पहले आ गई है, तो ऐसे नहीं कि जो पहले आएगा तो वही जो है इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पर ए पेन पहले आ गई है तो ए पेन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया, यानी कि सेंटेंस की के फॉर्मेशन के अनुसार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को का पता लगाएंगे, ये नहीं कि अगर पहले है तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो ठीक है। तो वर्ब जो है हमारा यहीं पर जो है समाप्त होता है, और वर्ब की एक्सरसाइज जिसके पहले मैंने अभी बताया है अभी अभी, उसको केवल तुम्हें अंडरलाइन करना है। इसके बाद जब अगला पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा एडवर्ब, ठीक है, इसके पहले की सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली नोटबुक में करते रहना, ठीक है, और एडवर्ब हम अब जो है अगली बार जब मिलेंगे तब बताएंगे। ओके।